But I'll tell you one more thing. Yeah. Ikram, you know, Ikram Saab, yeah. You're not just an ordinary name. You're a name. Everybody knows you in the industry, right? From Kader Khan Saab, Danny, or whatever. You have worked with Rishi Kapoor Saab. You have worked with so many people. And everyone I have known has always had a lot of respect for you, because this was the beauty of your personality. It touches us all. And I would, if you don't mind, I would ask Mr. Ejaz Khan Saab to also say something about you. मैं इनके बारे में क्या कहूँ? नहीं कुछ तो कहिए आप, बगैर एक्टिंग किए। ओके, मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि मंडे आई वाज वेरी अपसेट, वेरी डिप्रेस। यू वांट मी टू बी रियल, आई वाज स्मोकिंग जॉइंट एंड देन आई गॉट अ कॉल। आई से ये कौन है यार, ये नंबर बार बार दो बार फोन क्यों आ रहा है? मैंने उठाया तो उन्होंने बोला, इजाज कहाँ हो तुम? मैं घर बैठा हूँ। ठीक है, आप मुझे मिलो, आप एक फिल्म कर रहे हो, उस फिल्म का नाम है यादव। ये फिल्म इरफान खान, मनोज बाजपेयी, ये लोग करने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोल तुम उनसे बेटर करोगे। तो मैंने बोला, क्या बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सही लगता है। और भाई ने बुलाया और फिर मुझे वहाँ से लखनऊ ले गए। उसके बाद सारी हिस्ट्री है, आप देख लो। इट्स अ नाइस गाय, आई लव यू मोर देन माई वाइफ एक्चुअली, बट वी आर स्ट्रेट। So, that's really nice of you, because I love your sense of humor, and I'm sure one day, very soon, very soon, you know, your baby steps will become very giant steps. Inshallah. And we hope